हुआ है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल ऑपोजिट टू द साइड इज राइट एंगल ऑपोजिट टू द साइड मतलब कि वो बोल रहा है जो सिंगल साइड का स्क्वायर था यस तो देखिए इसको किस तरीके से हम प्रूव करेंगे इसमें चलिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ठीक है देखिए ये ट्राइंगल ऐसा मैंने बनाया है ए बी सी तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मैंने एंगल बी को 90 कर दिया है नहीं बस मैंने एक डायग्राम बनाया है और जो मुझको गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द ये जो थ्योरम है जो मेरे को कन्वर्स याद करना है ठीक है इसमें मुझे क्या गिवन है मुझे गिवन है कि जो ए सी का स्क्वायर है वो हाँ इस बार ये दिया है ठीक है ना और हमको प्रूफ क्या करना है बताइए एंगल ABC इज इक्वल टू 90 यस एंगल दिस वन B ना मतलब ABC देखिए ये मुझको दिखाना है 90 डिग्री ओके देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ठीक देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे देखिए कंस्ट्रक्शन में आप एक BC के इक्वल लेंथ ड्रॉ कर लीजिए ठीक है ना BC के इक्वल लेंथ ड्रॉ कर लीजिए BC इज इक्वल्स टू EF ड्रॉ करिए देखिए ये BC की लेंथ ली मैंने और ये ठीक तो देखिए BC के इक्वल क्या ड्रॉ कर लिया मैंने EF और कंस्ट्रक्शन में यहां पे मैं नोट भी कर लेता हूं कि ड्रॉ BC इज इक्वल्स टू EF देखिए जो कन्वर्स वाला होता है ना फंडा वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से ही प्रूफ होता है ऐसे नहीं होता ठीक है उसके बाद इसमें आप AB के इक्वल DE ये देखिए AB के इक्वल DE बनाएंगे यार D आएगा लेकिन इसकी कंडीशन है इस तरीके से बनाएंगे कि एंगल E यहाँ पर एंगल E 90 हो जाए 90 आपको बनाना आता है हालांकि कंस्ट्रक्शन नहीं करना है ये आपको बस यहाँ लिखना होगा देखिए यहाँ पे मैं एंगल 90 बना सकता हूँ कंपास ठीक तो ये देखिए 90 मैंने ऐसा बनाया और मैंने कट कितने डीप एक कंपास ऐसा रखा और ये पेंसिल लगी हुई है और आर्क कहाँ लगाया कितनी लेंथ पे एबी के इक्वल यहाँ पे आर्क लगेगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा डी तो नोट कर लेते हैं फिर हमने क्या किया हमने ड्रॉ किया डीई इज इक्वल्स टू AB DE is equals to AB हमने ड्रॉ किया such that angle E is equals to 90 ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है such that angle E is equals to 90 degree कर लिया अब इसको देखिए डॉट डॉट से कर दीजिए जो कौन जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है अब D को F से मिला दीजिए ध्यान थोड़ा रखिएगा सुनिए DF is equals to नहीं आएगा ऐसा नहीं नो कंस्ट्रक्शन तो बस मैंने क्या किया है EF का लेंथ BC के इक्वल रखा है एंगल E को 90 बनाने के बाद AB का लेंथ मैंने DE के इक्वल रखा है ठीक है ना अब क्या करेंगे ज्वाइन D टू E ना ज्वाइन D टू E वी गेट DE D to F, ठीक है, and we get DF, okay? ये, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, देखिए, कैसे इसको प्रूफ करेंगे? अगर ध्यान दें इधर, मुझे ये वाला एंगल ABC क्या प्रूफ करना है? राइट एंगल इसका मतलब मेरे पास ट्रिक ये है ध्यान दें इसके पास इसकी इसका मतलब मेरे पास ट्रिक ये है कि मैं एंगल ABC को अगर ध्यान दें इफ एंगल बोल रहा हूँ सॉरी ट्रायंगल अगर ट्रायंगल ABC मैं सिमिलर दिखा दूँ सिमिलर अगर मैं दिखा दूंगा DEF के तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल इसका मतलब E जो होगा वो किसके कोरस्पोंडिंग होगा B के और B 90 आ जाएगा
तो इस दोनों इन दोनों ट्राइंगल्स को हम किसी तरीके से सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, यहाँ मैं देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। ये एक DEF एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है कि नहीं, क्योंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो ट्राइंगल DEF में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इन ट्राइंगल DEF क्या हो जाएगा, DE का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर, या फिर DF का स्क्वायर आपको बात बताता हूँ भाई। देखिए DE के इक्वल AB तो मैंने कंस्ट्रक्शन से ही किया, BC EF के इक्वल कंस्ट्रक्शन से ही किया है। अगर किसी तरीके से AC किसके इक्वल आ जाए, DF, तो तीनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल। और साइड 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 से आप या तो बोल दीजिए सिमिलर है और या तो बोल दीजिए कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। बहरहाल तो और कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं, सिमिलर, आपको पता है कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं, सिमिलर। और कॉन्ग्रेंट अगर हम कर देंगे तो सीपी सिटी भी लग जाएगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल्स हो। ओके देखिए, दिस इंप्लाइज दैट कि DF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE किसके इक्वल था आपका कंसेप्ट AB के, AB स्क्वायर, ठीक है ना। ये था आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, DF किसके इक्वल है, BC का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। ओके बट इट इज गिवन इन द कंडीशन कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कैन बी रिटन एज AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर लिख देंगे DF स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कि DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसकी जगह क्या लिख देंगे, y गिवन गिवन, ठीक है ना। नाउ ये स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, पता है आपको बोथ साइड अगर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक। तो DF इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AC आ गया। तो आप क्या लिखते हैं, ये वाला इसके इक्वल था कंस्ट्रक्शन से, BC EF के इक्वल था, और अभी अभी हमने प्रूफ कर दिया कि AC इसके इक्वल होगा DF, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल, यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, अगर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर जो कहना हो आप कह लीजिए, कि साइड 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 सिमिलैरिटी भी होती है और साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी भी होती है, ठीक है ना। बाय सीपी सीटी, तो बाय सीपी सीटी जो एंगल ई होगा वो बी के इक्वल होगा, एंगल या एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के, बट बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ई कितना था 90, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू 90। यही हमको प्रूफ करना था कि एबीसी में अगर ऐसा होता हो तो एंगल एबीसी क्या है 90। प्रूफ